नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगा किसी भी दो समीकरण को आप किस प्रकार से आप हल कर सकते हैं, कौन कौन सी विधि से हल कर सकते हैं। और ये विलोपन विधि, प्रस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि और वर्ज गुणन विधि कौन कौन से विधि हैं और कैसे कैसे यूज होते हैं, सारे जानकारी आप इस वीडियो में जानेंगे। ये सारे विधि सीखने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो को जरूर शेयर करें। और आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट है, क्वेश्चन है, इशू है, कुछ भी हो तो आप कमेंट करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। आपको मैं एक एक एग्जाम्पल ले लेके मैं आपको बताते चलता हूँ विलोपन विधि क्या होता है। और सबसे पहला विलोपन विधि है, विलोपन विधि से ऑलरेडी इसके जो विलोपन वर्ड है इसी में छुपा हुआ है। विलोप, विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना, किसी एक टर्म को विलुप्त कर देना, उसको विलोपन विधि कहते हैं। मान लेते हैं जैसे ये समीकरण वन है और ये समीकरण टू है। अब विलोपन विधि से हमें एक्स और वाई की वैल्यू अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एक टर्म को विलुप्त कर देंगे, चाहे इस टर्म को विलुप्त करें चाहे ये टर्म को विलुप्त करें। तो सपोज तीन तीन दोनों इक्वल हैं तो इस टर्म को हमें विलुप्त करना है, ठीक है। तो एक टर्म को विलुप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण एक और दो में दो को घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाव करेंगे, करें, ठीक है। तो समीकरण एक और दो को घटाव करेंगे तो समीकरण एक माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री वाई इजकल टू सेवन, दूसरा समीकरण है थ्री एक्स माइनस थ्री वाई इजकल टू फिफ्टीन। हमने वाई टर्म को विलुप्त करना है इसलिए हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया है। अगर एक्स टर्म को हमें मल्टीप्लाई वो विलुप्त करना होता तो इस दोनों को इक्वल करना होता, क्योंकि थ्री वाई इक्वल है इसलिए हमने कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं किया है। हमें एक्स को माइनस करना, वाई को माइनस करना इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें घटाव करना, माइनस करना तो माइनस मतलब घटा, घटाव में करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए थ्री एक्स में से एक एक्स गया तो कितना हो जाएगा, माइनस टू एक्स, ठीक है। अब देखिए थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स कट गया इजकल टू हो गया सेवन और माइनस फिफ्टीन, सेवन माइनस फिफ्टीन तो टू एक्स इजकल टू एट, माइनस एट तो माइनस माइनस कट जाएगा तो एक्स इजकल टू एट डिवाइड बाई टू यानी कि फोर, एक्स का वैल्यू निकल गया एक्स इजकल टू फोर, ठीक है। अब x का वैल्यू निकल गया तो किसी भी एक समीकरण में मान को डालने से y का वैल्यू निकल जाएगा। समीकरण एक में x का मान डालने पर, ठीक है। अब समीकरण एक क्या है, x माइनस थ्री वाई इजकल टू सेवन, ठीक है। यहां पे x का वैल्यू क्या है, चार और थ्री वाई इजकल टू सेवन, थ्री वाई इजकल टू सेवन माइनस चार, क्योंकि इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस थ्री वाई इजकल टू थ्री। अब यहाँ पे वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, वाई इजकल टू थ्री डिवाइड बाई माइनस थ्री तो ये हो जाएगा वन, वाई इजकल टू माइनस वन, क्योंकि माइनस बचा हुआ है तो माइनस इधर चला जाएगा, माइनस वन। तो एक्स और वाई का वैल्यू देख लिया आपने, एक्स का वैल्यू फोर और वाई का वैल्यू माइनस वन। अब किसी भी विधि से आप करेंगे तो वैल्यू यही आएगा। अगर ये विधि आपको समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं समझे तो दोबारा देखिए। अगर दोबारा देखने के बाद भी आप नहीं समझ में आया तो कमेंट के थ्रू हमें बताएं कि हमें ये विधि समझ में नहीं आया, फिर से मैं आपको वन बाय वन क्लास लेके मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दूसरा विधि देखते हैं। दूसरा विधि क्या है, प्रस्थापन विधि। प्रस्थापन विधि मतलब कहता है किसी एक को वैल्यू को लेके उसको स्थापित करना है, दूसरे में स्थापित करना है, इसको क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। देखिए x माइनस थ्री वाई इजकल टू सेवन है, ठीक है। तो x का वैल्यू निकाल लेंगे यहां पर, सेवन प्लस थ्री वाई, ठीक है। ये x का वैल्यू निकल गए, अब इसको क्या करते हैं, स्थापित करेंगे किस समीकरण में, दूसरे समीकरण में, समीकरण दो में x का
मान डालने हैं, ठीक है। तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 15, 3x का वैल्यू क्या है 7 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 15। अब इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 7 21 प्लस 3 3 9 y माइनस 3y इज इक्वल टू 15। अभी क्या हो जाएगा 21 और 9 में से 3 गया तो प्लस 6y इज इक्वल टू 15, तो 6y इज इक्वल टू 15 माइनस 21, तो 6y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6, ठीक है। तो y इज इक्वल टू माइनस 6 डिवाइड बाई 6 तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1, इसको 6 से 6 कट जाएगा तो माइनस 1, तो y का वैल्यू फिर देखिए आपने माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू हमने x में निकालने के लिए, x का वैल्यू निकालने के लिए y का वैल्यू पुट करेंगे। x इजकल टू होगा, x इजकल टू है 7 प्लस 3y, तो 7 प्लस 3 y का वैल्यू क्या है माइनस 1, तो ये हो जाएगा x इजकल टू 7 और ये माइनस है तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो x का वैल्यू देखा आपने 4 हो गया और y का वैल्यू हो गया माइनस 1, तो सारे वैल्यू हमें 1 और 4 में ही आ रहे हैं, ठीक है। किसी भी विधि से आप करें तो 1 और 4 में आएगा, ठीक है। चलते हैं दूसरे विधि बताने से पहले मैं बता देता हूं, अगर ये विधि आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए, दोबारा देखने के बाद भी अगर ये विधि आपको समझ में नहीं आया तो विधि तो कमेंट बॉक्स में डालें कि हमें ये विधि समझ में नहीं आया, तो मैं आपको 1-to-1 क्लास लेके मैं आपको बता दूंगा कि ये समीकरण कैसे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल किया जाता है। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए दूसरी विधि देखते हैं, तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि क्या है, तुलनात्मक शब्द में लिखा हुआ है कि दोनों समीकरण को दोनों तरह से कंपेयर करते हैं, तो उसको तुलनात्मक विधि कहते हैं। यहां पर समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, दोनों को कंपेयर करेंगे। सपोज यहाँ पे समीकरण 1 से हम लिखते हैं, समीकरण x इज माइनस 3y इजकल टू 7 है, तो x इजकल टू 7 प्लस 3y हो जाएगा। अब समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3y इजकल टू 15, तो 3x इजकल टू 15 प्लस 3y, तो x इजकल टू 15 प्लस 3y इस बटे 3, तो ये हो जाएगा 3 अगर कॉमन लेते हैं तो 5 प्लस वाई इस बटे 3, तो 3 3 कट जाएगा, एक्स इजकल टू 5 प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए ये हो गया समीकरण सपोज 3, तो ये समीकरण हो गया आपका 4, समीकरण 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा। दोनों x इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है और राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड हैंड साइड अगर इक्वल होता है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 3y इजकल टू 5 प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए टर्म को एक तरफ करना है और नंबर को एक तरफ करना है, 3y इस y को इधर करेंगे तो माइनस वो y, ये 5 इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2y माइनस 2, तो y इजकल टू माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इजकल टू माइनस 1, तो y के वैल्यू यहाँ पे 1 आ गया माइनस 1, ठीक है। तो हैं x के वैल्यू निकालना है, तो x इजकल टू क्या है 5 प्लस y है, तो x इजकल टू 5 प्लस माइनस 1, तो x इजकल टू 5 माइनस 1 x इजकल टू 4, ठीक है। तो x और y का वैल्यू आपको यहाँ देख लिया आपने, कहीं भी अंतर नहीं हुआ है, तो x का वैल्यू 4 हो गया और y का वैल्यू माइनस 1 हो गया, क्या। अगर ये विधि आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए, दोबारा देखने के बाद भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें कि हमें समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको 1-to-1 क्लास लेके आपको मैं बताऊंगा तुलनात्मक विधि क्या होता है और कैसे किसी भी समीकरण को हल इसमें करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट विधि देखते हैं, वर्ग गुणन विधि है।
ठीक है। वर्ज गुणन विधि से हम किसी भी दो समीकरण को कैसे हल कर सकते हैं, उसे एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये समीकरण वन है और ये समीकरण टू है। देखिए क्या होता है, सिंपल जो वर्ज गुणन इक्वेशन बनती है, तो ए एक्स ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी इजकल टू जीरो होता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या है, एक्स माइनस थ्री वाई और ये इस तरफ चला जाएगा इजकल टू सेवन है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस थ्री वाई माइनस सेवन इजकल टू जीरो हो गया इक्वेशन थ्री। अब इक्वेशन टू को हम एक्स इसी फॉर्मेट में डालेंगे, तो थ्री एक्स माइनस थ्री वाई इजकल टू फिफ्टीन, तो थ्री एक्स माइनस थ्री वाई माइनस फिफ्टीन इजकल टू जीरो, ये हो गया इक्वेशन फोर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम कर लेंगे ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू, क्योंकि ये देखिए ये ए वन अगर इसमें होगा तो ए टू इसमें हो जाएगा, तो ए वन ए टू ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अब उसका फॉर्मूला यूज करेंगे वर्ज गुणन विधि को, ठीक है। अब यहाँ पे ए वन कितना है, ए वन जो है देखिए यहाँ पे ए वन क्या है, ए वन एक्स है, तो ये एक्स है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि वन है, तो ये हो जाएगा वन। और b1 क्या है, देखिए b1 क्या है, b1 वन माइनस थ्री है, क्योंकि ये प्लस में आना चाहिए, तो यहाँ पर अगर माइनस कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस b1 वन इजकल टू माइनस थ्री, ठीक है। और c1 वन इजकल टू कितना हो जाएगा, c1 वन इजकल टू माइनस सेवन, ठीक है। अब यहाँ पे a2 निकालते हैं, a2 टू इजकल टू क्या हो जाएगा थ्री, b2 टू इजकल टू क्या हो जाएगा माइनस थ्री, और C2 टू इजकल टू हो जाएगा 15 माइनस 15। अब A1, A2, B1, B2, C1, C2 का निकल गया वैल्यू, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देते हैं, X इजकल टू क्या होता है, X बटे B1, C2 माइनस B2, C1, ठीक है, इजकल टू I इजकल टू ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इजकल टू वन डिवाइड बाय ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ठीक है। अब एक्स का वैल्यू निकालते हैं, तो एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा बी वन सी टू, बी वन कहाँ पे है, B1 C2, B1 कितना है माइनस थ्री है, माइनस थ्री मल्टीप्लाई C2, C2 कितना है माइनस फिफ्टीन, माइनस B2 कितना है, B2 है माइनस थ्री, ठीक है, मल्टीप्लाई C1 कितना है, C1 है माइनस सेवन, ठीक है। अब वन डिवाइड बाय ए वन कितना है, ए वन वन मल्टीप्लाई बी टू कितना है, बी टू माइनस थ्री है, ठीक है, मल्टी माइनस ए टू कितना है, ए टू थ्री है, बी वन कितना माइनस थ्री है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, ये हो जाएगा पंद्रह या पैंतालीस फोर्टी फाइव माइनस सत्या इक्कीस इजकल टू वन, ये हो जाएगा माइनस थ्री, और ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस, ये यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकल गया है, तो वैल्यू निकल जाएगा ये एक्स डिवाइड बाय ट्वेंटी फोर इजकल टू वन बाई सिक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर, और ये इधर ये डिवाइड में रहते इसको ऊपर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स इजकल टू ट्वेंटी फोर बाई सिक्स, ये हो जाएगा फोर। तो एक्स का वैल्यू आप देख लिया आपने, फोर हो गया। इसी प्रकार वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं, जगह छोटा है तो मैं आप वाई का वैल्यू यहां पे छोटा करके निकाल कर मैं बताऊंगा, सेम उसी प्रकार है। तो वाई यहां कर लेंगे, वाई डिवाइड बाय ए वन बी टू, ए वन ए वन कितना है वन है, और बी टू कितना है माइनस थ्री, तो ए वन वन माइनस थ्री वन
माइनस थ्री हो जाएगा ए टू बी वन। ए टू कितना है, ए टू जो है थ्री है मल्टीप्लाई बी वन, बी वन कितना है माइनस थ्री है, ठीक है। और वन डिवाइड बाय ये वाला पार्ट तो निकाल चुके हैं, तो एक बटे छः, ठीक है, डिवाइड बाय ये हो जाएगा, देखिए माइनस थ्री है तो ये हो जाएगा माइनस थ्री, और ये हो जाएगा तीन तीन नौ माइनस नौ, और माइनस माइनस प्लस प्लस नौ वन बटे छः, तो ये हो जाएगा तो वाई इजकल वाई बटे ये हो जाएगा सिक्स, और ये वन बटे सिक्स नीचे नीचे कट गया, तो वाई इजकल टू वन, ठीक है। अब इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, तो सब में देख लेंगे आंसर सेम ही आया है, कहीं पे आंसर गलत नहीं आया है, ठीक है। के लिए आपको धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।